वेलकम टू सपनों का ज्ञान। हम अपने सभी दर्शकों को उनके सपने की व्याख्याओं के फेवरेट चैनल सपनों का ज्ञान पर स्वागत करते हैं। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो है सपने के अंदर हवा देखना। अगर कोई व्यक्ति सपने में हवा देखे, वो जिस राज्य में हवा देखेगा, इसका अर्थ ये है कि अगर वो हवा साफ सुथरी व्हाइट कलर की हो तो इसका मतलब है कि सपना देखा गया जिस इलाके में है वहां पर अमन, मोहब्बत, तंदुरुस्ती और कारोबार में तरक्की मिलेगी। और अगर कोई व्यक्ति सपने में देखे कि किसी राज्य के अंदर गंदी, गर्दोगुबार वाली या खराब हवा चली है तो इसका मतलब है वहां पर गम, परेशानी और मुसीबत आएगी। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर देखे कि उसने ग्रीन कलर की विंड यानी ग्रीन सब्स कलर की हवा देखी है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले के उस राज्य के अंदर, उस इलाके में खूब खेतियां होंगी, दरख्त, पेड़ खूब सब्ज होंगे, हरे होंगे और उन पर खूब खेतियां आएंगी। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर ये देखता है कि उसने व्हाइट कलर की विंड, व्हाइट विंड यानी सफेद हवा देखी है तो इसका मतलब है उनके इलाके में कारोबार, बिजनेस खूब तरक्की करेगा। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर सुर्ख हवा या लाल हवा यानी रेड विंड देखता है तो इसका मतलब है कि सपना देखे गए इलाके में नुकसान होगा, वहां पर जंग, लड़ाई, फसाद होगा। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर ये देखता है कि उसने येलो कलर की यानी जर्द कलर की हवा देखी है तो जिस इलाके में ये हवा देखी जाए वहां पर बीमारी और खराबी पैदा होगी। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर ये देखे कि उनके घरों की छतों पर, उनकी गलियों की छतों पर या उनके इलाके की छतों पर हवा चल रही थी और वो खूब रोशन थी और साफ सुथरी थी तो इसका मतलब है कि जो साल गुजर रहा है वो उनके लिए खूब तरक्की का साल होगा। उसके अंदर उनके लिए कारोबार, उनका जॉब और उनके हर मसले के अंदर तरक्की होगी। और अगर कोई व्यक्ति सपने में देखे कि उसने अपने इलाके की छतों पर खराब हवा या गंदी हवा देखी है या गर्दोगुबार वाली आंधी देखी है तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखे गए इलाके के अंदर जंग, लड़ाई, फसाद और आपस में झगड़ा पैदा होगा। मैं आशा करता हूं कि आपका सपना आपके लिए एक अच्छी व्याख्या बने। सपनों का ज्ञान से अनुमति चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ।